शेयर बाजार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि किन बातों को ध्यान में रखकर आप निवेश का फैसला करें। कोरोना महामारी के दौरान मार्केट अर्श से फर्श पर लौट गया था, लेकिन पिछले 3 साल में इसने रिटेल इन्वेस्टर्स के दम पर फिर नई ऊंचाइयों का सफर तय किया। रिटेल इन्वेस्टर्स ने मार्केट को कैसे सपोर्ट किया है, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब जनवरी 2022 से मार्च 2023 के बीच FIIs ने रिकॉर्ड मात्रा में अपने पैसे वापस निकाले तो भी मार्केट ढह नहीं गया। रिटेल इन्वेस्टर्स में मार्केट को लेकर कितना क्रेज है, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2019 के आखिर में 3.5 करोड़ डीमैट खाते थे, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 तक आकर 11.5 करोड़ रुपए पर पहुंच गए। इसके चलते कोरोना के बाद दिसंबर 2021 तक मार्केट चढ़ता ही गया और कोरोना के दौरान के निचले स्तर से ये दोगुनी ऊंचाई पर पहुंच गया। हालांकि इसके बाद अगले 15 महीने जनवरी 2022 से मार्च 2023 तक इसमें कुछ गिरावट दिखी, लेकिन एक निवेशक का भरोसा बना रहा, इसका फायदा भी उन्हें मिला और अगले 3 महीने अप्रैल 2023 से जून 2023 तक इसमें शानदार तेजी दिखी। अब आगे निवेश को लेकर क्या करें, इसे लेकर फिनवाइज पर्सनल फाइनेंस सॉल्यूशंस के कोफाउंडर गिरीश गणराज ने 3 पॉइंट्स सुझाए हैं। नंबर 1, लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगाएं पैसे। पिछले 40 सालों के आंकड़ों से पता चलता है कि स्टॉक मार्केट में हर साल 10% सुधार होता है, लगभग हर 2 साल में 20% सुधार होता है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि अगले कुछ महीनों में मार्केट में अच्छी तेजी दिख सकती है तो ये सोचकर पैसा ना लगाएं। बाजार के रिकॉर्ड हाई के बीच नए निवेशक मीडियम से लॉन्ग टर्म यानी 3 से 5 साल तक के लिए पैसे लगाएं तो बेहतर है, और अगर इस बीच कुछ झटके लगे तो परेशान ना हो। नंबर 2, सावधानी से चुने शेयर। बाजार की मौजूदा तेजी के बीच इसमें पैसे लगाने की जल्दबाजी में रिसर्च करना ना छोड़ें। अगर आप सिर्फ इस उम्मीद में कोई शेयर खरीदते हैं कि बाद में कोई और इसे आपसे अधिक कीमत पर खरीदेगा तो ये बड़ी गलती साबित हो सकती है। ऐसे में जरूरी है कि किसी भी शेयर या फंड में पैसा लगाने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट थीसिस और फंडामेंटल रीजंस की कसौटी पर इसे जरूर परखें। नंबर 3, लालच ना करें, अपनी रिस्क क्षमता को पहचाने। बाजार की मौजूदा तेजी के बीच ये धारणा बनी है कि स्मॉल कैप में निवेश करने का ये अच्छा समय है। ये सच हो सकता है, लेकिन सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि स्मॉल कैप में उतार चढ़ाव तेज होता है जिसे संभालना सभी निवेशकों के बस में नहीं है। इसी तरह स्वाभाविक रूप से किसी भी समय सेक्टोरल कॉल लेने में बहुत ज्यादा रिस्क है। इसे ऐसे समझें कि अभी 2 विरोधी तर्क एक साथ चल रहे हैं। एक तो ये कि कंजम्पशन तेजी से बढ़ रहा है तो इस सेक्टर में निवेश का मौका है, वहीं दूसरी तरफ वैश्विक मंदी की भी आशंका है जिससे खपत गिर सकती है। अब इन दोनों में कौन सी बात अगली कुछ तिमाहियों में काम करेगी, इसे लेकर अभी कुछ कहना संभव नहीं है। कोशिश करें कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई बनाए रखें और अपनी लॉन्ग टर्म जरूरतों के आड़े में शॉर्ट टर्म के लालच को न आने दें। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।